दबा दो बस रिकॉर्ड हो गया। चल ओ चल हो गया खराब नहीं आया। ठीक है बैठो Till now we have learned about the recent weight table, clear? And we are solving the simple problem of the suiting. But today we will solve how to redesign the fabric when the fibers are being changed. जैसे पहले earlier we were using the cotton wool silk. Now we are replacing this fiber with the polyester viscose, polyester cotton, 100% polyester. Now we have the different type of the viscose fiber like tensils. We are changing the degree of polymerization. ठीक है? As in case of the viscose and case of the cotton, है ना? जिससे से हमारी केमिस्ट्री एडवांस होती है, तो हमने क्या किया? जितने आपके सिंथेटिक मैनमेड नेचुरल फाइबर्स थे उनके अगेंस्ट हमने हाँ मैनमेड फाइबर बना दिए। मैनमेड के बाद जैसे आपका टेक्निकल टेक्सटाइल आपका डेवलप हुआ तो हमने हाई परफॉर्मेंस फाइबर बनाए केवलार, है ना, और जैसे आपका कार्बन फाइबर ग्लास फाइबर ये सब क्या हो जाते हैं सिरेमिक, दे आर ऑन द एस्बेस्टस, दे आर ऑन द हाई टेम्परेचर, हाई मतलब जैसे से रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल टेक्सटाइल में वी आर मेकिंग दैट फैब्रिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम आर्टिफिशियल जो घुटने होते थे इनको हम कार्बन फाइबर से बनाते थे, किससे, कार्बन फाइबर, है ना। नाउ वी आर मेकिंग विद द हेल्प ऑफ द पॉलिएस्टर ब्रेडेड स्ट्रक्चर्स, है ना। अभी ब्रेडेड स्ट्रक्चर से मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है, हालो बीनिंग होती है, क्या जैसे आपके घर पर देखा होगा पाइप्स होते हैं, शूज होते हैं, है ना, ये जूते की डोरी होती है ना, तो इट इज मेड बाय द ब्रेडेड स्ट्रक्चर, इसका लूम अलग होता है, इट इज नॉट द सेम लूम एज यू आर यूजिंग। इसके अंदर मिनिमम 3 थ्रेड से हम यूज करते हैं, 3 थ्रेड्स, और कितने यूज कर सकते हैं, 18, 21, जितना मोटा हमको वो बनाना होता है पाइप उतने थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं, और जितना इलास्टिसिटी चाहिए, जितना स्ट्रेंथ चाहिए, जितना इलोंगेशन चाहिए, जैसा चाहिए वैसा। इसीलिए इस ब्रेडेड स्ट्रक्चर्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल में, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने आपके स्टेंट वगैरह सूचर्स वगैरह, है ना, ये सब आपके कार्बन फाइबर्स, ये सब आपके ब्रेडेड के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ब्रेडेड स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या जाता है, जैसे प्लेन वीव है, आप इसका अगर सिमुलेशन देखना चाहो वीव का, तो वी हैव द मैटलैब सॉफ्टवेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर यूजिंग 7SEM, तो इस सॉफ्टवेयर से करीब अराउंड कॉस्टली सॉफ्टवेयर से, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने आपके आपको वीव के इक्वेशंस वगैरह हम फीड करते हैं और हम पूरे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आपने इक्वेशन डाली ट्राइएक्सियल और आपका बाईएक्सियल, वो आपका ब्रेडेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना, और इसके अलावा साथ साथ आप अदर प्रॉपर्टी, तो ये सब क्या है कि आपके अभी आप फाइबर्स को चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो फाइबर को कैसे चेंज करेंगे, दिस यू विल लर्न टुडे। ठीक है, जैसे अभी आपके पास वेट था 9 ounces पर यार्ड स्क्वायर कॉटन, अब आपको बनाना 7 ounces पर यार्ड स्क्वायर, तो क्या क्या चीज चेंज करेंगे, सो दैट द एस्थेटिक अपील ऑफ द फैब्रिक मस्ट बी द सेम। ठीक है, एस्थेटिक अपील के अंदर क्या है आपका, कि जो फील है, हम शर्ट हम चेंज कर रहे हैं, हमको क्या करना है, लाइट वेट फैब्रिक आपको बनाना है, तो लाइट वेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, और हमको लेकिन हमारी एस्थेटिक अपील सेम रहनी चाहिए, उसके लिए हम क्या, व्हाट वी डू, वी टेक केयर ऑफ द K1 K2 KC W यान बैलेंस फैक्टर बीटा, ऑल दिस फैक्टर मस्ट बी द सेम। जब हम रीडिजाइन करते हैं फैब्रिक को तो ये पैरामीटर्स हमारे चेंज नहीं होते हैं, इफ यू हैव चेंज दिस पैरामीटर देन द एस्थेटिक अपील ऑफ द फैब्रिक इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपने चेंज कर दिया कोई पैरामीटर K1 K2 KC डिक्शन वेट फैक्टर यान बैलेंस फैक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, जो एस्थेटिक अपील, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप घर पर
दाल सब्जी खाते हैं, जरा सा नमक आपका चेंज हो गया दाल में, तो यू विल नॉट लाइक टू टेक द दाल, है ना, पसंद नहीं आएगी। सब्जी के अंदर नमक चेंज हो गया या कोई मसाला आपका चेंज हो गया तो आपको वो पसंद नहीं आया। ऐसे कपड़े के अंदर भी है, अगर आपने इन चीज को चेंज कर दिया, पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फैब्रिक, जैसे मैंने बताया डिक्सन टेबल के अंदर आपके सब पैरामीटर डिफाइंड है, है ना। जैसे डेनम को आप ले लेते हैं, तो डेनम के अंदर आपका एवरीथिंग इज फिक्स इन केस ऑफ द डेनम। जैसे W बराबर होता है 0.833, यहां वजन फैक्टर बीटा इक्वल टू 0.86, है ना। सिमिलरली K1 K2 है ना, KC N1 N2 ऑल थिंग्स आर फिक्स, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर हमारे हर क्लास ऑफ द फैब्रिक के फिक्स है, चाहे फूटिंग बना रहे हैं, चाहे शर्टिंग बना रहे हैं, चाहे सिल्क क्लॉथ, चाहे बॉबलिन रूबिया वॉयल, है ना, कोई भी फैब्रिक आप बना रहे हैं, तो सबके लिए आपका ये पैरामीटर, अगर इनको आपने चेंज कर दिया तो फिर इट विल नॉट बी द डेनम, ठीक है ना। वो डेनम जो बनाओगे खुद ही पहनोगे, ठीक है ना। वट एवर यू विल मेक यू हैव टू वियर, ठीक है। क्या होता है कि आपको जो तनाव, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो इसके लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक केयर ऑफ द दिस थिंग मस्ट बी द कांस्टेंट, ठीक है। अब आप जैसे W बराबर होता है आपका, W इज इक्वल टू ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट N1 अपॉन N2. Now put the value over here. W is the ounces per yard square. Small W is the Dixon weight factor. Now we will change N1 upon under root N1 into under root N1 plus N2 upon under root N2 under root N2. So the idea change in the, now you know that the this will be equal to K1 cos factor N1 upon under root N1 plus upon under root N1 plus K2 upon under root N2. Now take the common W barabar W upon under root N1. So this will be equal to K1 plus K2 into beta. Because beta is equal to under root N1 upon N2. ठीक है ना? इतना समझ में आ गया होगा आपको? Yes sir. हैं? ठीक है? अब now we will be using this equation. अब हमको क्या करना है? ये equation हमको use करनी है redesigning के अंदर. ठीक है? वो मतलब now we have the take one example of this one. Let us take that the that is that W is equal to small W upon under root N1 into A1 plus beta into K2. ठीक है? Now take one example. We have the one fabric made by the 9 plain woven fabric. Plain woven fabric is the 9 ounces per yard square given fabric. And the parameters are N1 is equal to 80, N2 is equal to 41, EPI, then count is equal to 2/24, N2 is equal to, N2 is equal to 3/24, it is the 2-ply yarn, this is the 3-ply yarn,
मतलब टू यान हैज बीन अ डबल यान, इट इज द थ्री प्राइम यान, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू रीडिजाइन, अब इस ये फैब्रिक एग्जिस्टिंग है, इससे आपको क्या बनाना है, ए फैब्रिक, दिस इज द एग्जिस्टिंग, इट इज मेड ऑफ द डायनियल, डायनियल आपका एक्रिलिक फाइबर है, कमर्शियल नेम है डायनियल, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिप्लेस विद द 9.7 ounces पर यार्ड स्क्वायर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द n1 n2 n1 n2 n2, ठीक है। वेट आपका दिया गया है, आपको कपड़ा बनाना है, कि गिवन फैब्रिक क्या है आपका 9 ounces पर यार्ड स्क्वायर, अब इसको रिप्लेस करना लाइट वेट फैब्रिक, कितना 7 ounces, ठीक है। जिसे अगर प्लेन कह दिया, प्लेन वोवन फैब्रिक मेड ऑफ द डायनियल, ठीक है, सब पैरामीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे। क्या बराबर कितना हो जाएगा आपका यान बैलेंस फैक्टर बीटा, बीटा इक्वल टू बी टू अपॉन डी वन, ठीक है। D2 कितना हो जाएगा आपका, या ये हो जाएगा अंडर रूट n1 अपॉन n2, n1 कितना हो जाएगा 12, वेरी गुड। अच्छा n2 कितना हो जाएगा, हाँ अंडर रूट 12/8, हाउ मच कितना जाएगा, कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल में भी तो कंप्यूटर होता है, पता नहीं है, नहीं होता तो पता नहीं है, डिलीट कर दिया होगा, हाँ अपने औजार तो लेके आया करो ना, कैलकुलेटर है, ये है, लड़ाई लड़ने आते हो अपना औजार ही नहीं लाते हो, बिना औजार क्या लाएगा, कितना है ठीक है। अच्छा अब आपका K1 बराबर कितना हो जाएगा, कवर टाइटल बार N1 अपॉन अंडर N1, ये कितना हो जाएगा आपका N1 इज इक्वल टू 12, N1 is equal to 80. कितना आ जाएगा? 32.1. K2 बराबर N2 upon under root N2 बराबर है ना? It is 41 upon 8. कितना आ जाएगा? K2 बराबर आ जाएगा 14.5. आपको सब पैरामीटर आप निकाल लीजिए, ये दिए गए आपको, K1 निकाल लिया, K2 निकाल लिया, W कितना, अब आपका W मालूम है, अब आप डिक्सन वेट फैक्टर निकाल लीजिए कपड़े का, ठीक है। हाँ अब आपका डिक्सन वेट फैक्टर कितना आ जाएगा, आपको निकाल चुके हैं डिसन वेट फैक्टर निकालो, फार्मूला में बताया हुआ, चलो हम बता देते हैं, W बराबर हो जाएगा स्मॉल W इनटू N1 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N2, अब इससे स्मॉल W निकल आएगा, तो स्मॉल W कितना हो जाएगा 0.7, स्मॉल W इक्वल टू 0.763। अब ये सब चीजें आपकी फिक्स हो गई, जैसे पता रीडिजाइनिंग आप करने जा रहे हैं, तो कवर फैक्टर K1 बीटा ये सब आपने निकाल दिया, दूसरा फैब्रिक जो आप डिजाइन करेंगे तो यही पैरामीटर आपको रखने हैं, ठीक है, ठीक है। ये बस्ता नीचे रख दो, चलो W बराबर कितना आ जाएगा, निकल आया, अब आप क्या करोगे, इस पार्ट में वैल्यू रख दो,
ये ना डब्ल्यू डब्ल्यू आपको कितना रखना सेम है ना, और स्मार्ट डब्ल्यू इज 0.763 है ना, अंडर रूट एंड वन ये हमको निकालना है ना। अच्छा के वन, के वन की वैल्यू आपने निकाली है 22.1, बीटा की वैल्यू के टू बराबर 40 काउंट निकला है, n2 में से निकलो बीटा की वैल्यू रख दो, आई बात समझ में, तो n2 कितना आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा n2 बराबर n1 अपॉन बीटा, वेरी गुड बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्या हो जाएगा 40/2, 40/3 कैसे भी लिख दो ऐसे भी लिखा जाता है, वो तो जरूरी नहीं, ठीक है ना। रानी की दामो देखो तो वैसे भी लिखा 2/3/40, ठीक है। काउंट निकलना है, N1 N2 निकालना है, ठीक है। तो N1 N2 के लिए K1 में वैल्यू रख दो, K1 आपको मालूम है, N2 मालूम है, K1 निकल आएगा, हाँ। तो K1 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ भाई ये K1 बराबर है N1 अपॉन अंडर रूट N1 है ना। तो N1 बराबर कितना हो जाएगा, K1 K1 की वैल्यू कितनी है 22.1 इंटू अंडरवुड एन, बराबर कितना निकाला आपने, एन वन निकाला आपने 20, कितनी वैल्यू हो जाएगी, एन वन कम्स आउट टू बी द 104, ऐसे एन टू निकाल लो, तो एन टू बराबर हो जाएगा के टू की वैल्यू है आपकी 14.5 इंटू अंडरवुड 13.33 काउ, तो कितना जाएगा 53, ठीक है। अब आपको N1 मालूम हो गया, N काउंट मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, अब कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे ही जब कभी आपको वेट चेंज होता है तो आपको इसी मेथड से निकालना है, ठीक है। अभी तो हमने बताया कि जैसे एक डायगनल है ना, एक्रिलिक फाइबर, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, 9 ounces था लाइट वेट में, हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। कपड़े की कॉस्ट अगर कम करनी है तो हम ऐसे ही करते हैं, मान लो एक जीन्स बन रही है आपकी 12 ounces पर यार्ड स्क्वायर, दूसरी जीन्स आपने बना दी 10 ounces, सब कुछ सेम है, आप मार्केट में कस्टमर को दिखा दो कि ये देखो है इतने रुपये की, ये आपको सस्ती मिल रही है, नहीं तो कस्टमर थोड़ी तोड़ेगा, थोड़ी हिंदुस्तान में इतना तो होता नहीं कि वो तराजू लेके आवे तोले कपड़ा, है ना, उसको दिखा दो, हाँ कि देखो ये, हाँ 11 कर दो, 12 की बजाय 11 कर दो, है ना। आप इस तरीके से यू कैन अर्न द मनी, ठीक है। या कभी भी लाइट वेट आपको करना है तो इस तरीके से आप लाइट वेट कर सकते हैं, आई बात समझ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मैन मेड फाइबर, ठीक है, ये चलिए ये कर लीजिए, ये समझ में आ गया। अब देखो सलमान खान संजय दत्त सब जेल जा रहे हैं, अब ये देखो शूटिंग कर रहे हैं, है ना, आप ही में से कई लोग हीरो भी बन सकते हैं, समझे कि नहीं।
कितना कितने करोड़ का दांव लगा हुआ है सलमान खान के ऊपर, 500 करोड़। हाँ राजश्री की पिक्चर बना रहा, एक कोई और पिक्चर बना रहा, दो पिक्चरों के अंदर लगा हुआ है ये। हाँ एक या तो हिरन मारने में दे जाएगा या बम्बई में, जो चार आदमियों कुचला था इसने, ड्रिंक करके चला रहा था, और उसी दिन बताते लाइसेंस इसका खत्म हुआ जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ 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 तो क्या जाता है कि कभी आदमी जो है मिस्टेक्स कर देता है और उसका खामियाजा इतना होता, जेल जाना पड़ता है। संजय दत्त को क्या जरूरत थी AK-47 घर पर रखने की? इसने क्या किया था, जो बम विस्फोट हुआ था, जिसे लोग बताते हैं ये पूरा हथियार दाऊद ने इसके घर पर रखाया था संजय दत्त के यहाँ, तो इसको पसंद आ गई। जैसे आपके घर में कोई AK-47 रखा हुआ है ना, तो आप कहोगे एक हमको भी दे दो, क्यों नहीं मन करेगा? तो ऐसे इसने क्या किया? हाँ है? है? क्या चीज़? AK-47 सबको मारोगे? यू सबको नहीं देंगे तो पैसे कमा लेंगे ना। अब देखो दाऊद इब्राहिम तो बढ़िया वहाँ दुबई के अंदर, वह पाकिस्तान में बैठा हुआ आराम से, इतने रूल्स हैं। आप अभी अबू सलेम पकड़ा गया कैसे? ये अबू सलेम सिंपली दाऊद इब्राहिम का शूटर था, और इसने क्या किया, देखो हर आदमी की कीमत होती है। रिक्शा वाले को मारना है 2 लाख है ना, ख़त्म कर, है ना। बड़े आदमी को मारना है, टीचर है तो 50 लाख, IAS है तो 2 करोड़ मारे जाते हैं। हाँ अब आप देख लो कि ये जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, अभी आपको बता मैं कल, अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ, IAS नंबर 1 था, अभी क्या हुआ, सिया सब इकट्ठे हो गए हैं और 10 सब इसके अगेंस्ट में आ गए हैं, इराक के अंदर पूरा कब्जा कर रहे हैं। अब ये बगदादी की हालत बड़ी ख़राब है इस समय, मालूम है। इसने क्या किया था कि ये सब जितने यंग पीपल थे वर्ल्ड के, सबको कलेक्ट कर रहा था और यहूदी करता था, और वहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह दिखा करके उनकी शादियाँ कर लालच दे देता था, है ना, कि आपको एक लड़की फ़ोटो दिखा देते थे, है ना। कभी न्यूज़ देखते नहीं हो क्यों, हैं? फिर क्या देखते हो, ना पढ़ाई करते हो, ना न्यूज़ देखते हो, हैं? ना कॉफ़ी देखते हो। देखो आपको मैंने बताया कि ये बीटेक डिग्री आपकी इतनी पावरफुल है, यू कैन बिकम द IAS। अब ये सब चीज़ें आप पढ़िए, जब GK वगैरह आपकी होती है तो यही सब चीज़ें तो पूछी जाती हैं भाई, क्या है कि एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क फ्रॉम एनी कॉर्नर। तभी ये खाली ये नहीं होता कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, समझेंगे नहीं, मतलब इतने रूल्स हैं, है ना। अब क्या हुआ, सलमान खान जिस दिन, मतलब इसने 4 आदमियों को कुचला, ड्रिंक किए हुए था, होटल से निकला, अब इतना बड़ा आदमी था, इसको चाहिए 4 ड्राइवर रख लेता। भाई करोड़ों रुपए तुम कमा रहे हो भाई, इसका जो राइट हैंड जो इसका जो इसके साथ रहता है ना बॉडीगार्ड, उसकी सैलरी यहाँ तो 3 लाख है, 2.5 लाख पर मंथ। जो देखते नहीं जब सलमान खान चलता है तो एक मोटा मोटा आदमी साथ में चलता है, हाँ हाँ, तो ये ही टेक्स अराउंड द 2 लाख पर मंथ, और क्या। अभी अरे आप लोग में भी आपकी सैलरी मैं आपको बता नहीं रहा था, अभी इनका जो रिसाइकिल प्लांट है फाइबर डिवीजन बी ग्रुप का, कितनी सैलरी दी इन्होंने, 45 लाख पर एनम, नंबर 1 पोजीशन पर ये सैलरी होती है। गुप्ता जी कितनी सैलरी पा रहे हैं, 7 लाख पर मंथ, 12×7=84, है ना, 84 लाख का पैकेज है, जो अमेरिका की सैलरी वो इंडिया में भी मिल रही है, समझे कि नहीं। अब तो क्या हो जाता है कि आर्यन गुप्ता जी जो CEO हैं, है ना, देखो इनका मालिक तो क्या करता है कि वो संत वगैरह है दिल्ली में, उनके साथ संत बन गया है, पूरी फैक्ट्री यही देख रहे हैं, है ना, उतर राम राम करते हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और उनका लड़का उनके लड़का कोई था नहीं, तो उनका भांजा है रिजु झुंझुनवाला, वो हेलीकॉप्टर, समझे कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि ही सिंपली डिप्लोमा, अरे उतना क्या है डिप्लोमा, आप तो डिग्री है आपके पास, कितने पावरफुल हो, क्यों नहीं, हाँ। तो क्या हो जाता है कि बस अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, अखबार वगैरह ये वगैरह और न्यूज़ वगैरह, आपका CNBC न्यूज़ आती है और वर्ल्ड न्यूज़ आती है, सब आप देखिए, है ना, यही यही तो टेस्ट होते हैं आपके, TOEFL JRE टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज,
है ना, बाराक ओबामा कैसे बोलता है, टाटा का ये कैसे बोलते हैं, अनिल, ये सब MBA है अमेरिका से, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दे आर दे डिड MTech फ्रॉम USA, समझे कि नहीं। तो क्या जाता है कि आप लोग भी कर सकते हो, बस ये दो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अमेरिका से आपको MTech करना है, अभी आप भर दीजिए, GRE प्रॉफिट टेस्ट दे दीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, वहाँ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या दुकान पर काम कर लेना। एक घंटे की कीमत वहाँ डॉलर्स में होती है, यहाँ वहाँ एक मतलब जो डॉलर जो ड्राइवर कोई नहीं रखता है, आपकी मान लो आपने ड्राइवर रखा तो 40% सैलरी तो वो ले जाएगा आपकी, मतलब आदमी बहुत कम है हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा आदमी है ना, सबसे सस्ता आदमी है, समझे। वहाँ पर दुबई वगैरह के अंदर आप चाय लो ना, रुपए डालो तो हाथ कंप्यूटराइज निकलेगा, यूँ चाय ले लो, चाय नहीं तो अंदर फिर चली जाए। आपने जिससे रुपए निकालते हो ना ATM से, तो अगर आपने निकाले नहीं तो लिखा आता कैच योर मनी, और आपने नहीं निकाले फिर वो अंदर चले जाएंगे ATM। कभी मतलब क्या होता है कि सब प्रोग्राम्स बने हुए हैं ना, और दुबई वगैरह कभी आप जाओगे तो क्या हो जाए, जैसे चाय के लिए आपने रुपए डाले, कॉफ़ी के लिए आदमी थोड़ी है वहाँ पर, यूँ हाथ निकलेगा यूँ चाय, और पियो पियो और नहीं तो फिर चाहे अंदर। ऐसे ही सब वहाँ पर सब कंप्यूटराइज सिस्टम से। हाँ, ये आप अभी देख रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट वर्ल्ड की बेस्ट फ्लाइट, जैसे एयर इंडिया है यहाँ पर, ये आप डिफरेंट वो मानी जाती, उसके जो को पायलट थे पता नहीं क्या दिमाग में आएगा, पूरा जहाज ही गिरा दिया। हाँ, जब 145 आदमी मर गए, और कितनी स्पीड से जहाज नीचे गिरा आप मालूम है। हाँ है, ये सब बातें जरूर तुम ध्यान देते हो। हाँ सही बात तुम कह रहे हो, ठीक, ये चीज़ें जरूर पढ़ते होगा, पूरा पढ़ा होगा तुमने ना, उसको देखो जा करके, नहीं जर्मनी जाओ उसको देखो जा के, नहीं चलिए अटेंडेंस, ये समझ आया आपको। नहीं इसको भी ये लोग सकती, सलमान खान को अभी इसमें क्या हुआ, इसको इसकी सुनवाई थी एक 3 दिन पहले, तो इसने कह दिया कि आई वॉज हैविंग द ड्राइवर एंड ही वॉज ड्राइविंग द कार, जबकि सब सबूत है कि ही आर नॉट हैविंग द ड्राइवर और खुद चला रहा था। देखो क्या हो जाता है कि हाँ हाँ मेरे बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, सारा का मालिक जेल के अंदर है, और भाई साहब इसके होटल्स हैं अमेरिका इंग्लैंड में अरबों खरबों के होटल्स हैं, और इसके लड़के की शादी हुई थी लखनऊ में, तो 80% फिल्म इंडस्ट्री वहाँ डांस कर रही थी, सलमान खान शाहरुख सब के सब इन्वाइटेड। हाँ नहीं 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 लखनऊ इसने किया था, सबके पास कार्ड के अंदर ICs मिली हुई थी फ़ोन में, और सब पता होता था ये आदमी कहाँ जा रहा है क्या हो रहा, इनके कार्ड के अंदर ICs थी मालूम है। तो अभी तो क्या हो जाता है कि ये सब अब सब आए थे बड़े बड़े है ना, क्योंकि ही इज ए बिग पर्सन, समझे कि नहीं। अब बड़े बड़े लोग होते हैं वो शादी करते हैं उदयपुर में, यहाँ पर देखते नहीं होटल्स वगैरह के अंदर कितने प्लेन से आते हैं आपको मालूम है, डिज़ाइनर जो कपड़े का होता है वो भी प्लेन से आता है, जिनके कपड़े डिज़ाइन करता है ना, मतलब आप देखो तो व्हाट दे कम कि नहीं हलवाई वगैरह नहीं बन मतलब इन लोग की एक एक जो प्लेट होती है ना वो लाखों रुपए में होती है, पूरा अगर खर्चा निकालो एक प्लेट मालूम है खाना और सब कॉस्टिंग निकालो लाख के ऊपर जाती है। हाँ और सब नौकर चाकर खाते हैं, ये लोग थोड़ी खाते हैं, जितने IAS होते हैं ये होते हैं है ना, ये सब इतने तनाव में रहते हैं, डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है ना, तो ये लोग कुछ नहीं खाते हैं, ये जो काजू किशमिश होती है ना ये नौकर वही बनाते वही खा जाते हैं, साहब लोग तो थोड़ा सा खाएंगे उनको डर लगेगा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए कहीं शुगर ना बढ़ जाए है ना, इतने तनाव रहते हैं। आपको मालूम है दीपक सिंघानिया स्कूटर डिवीजन का मालिक, बाराक ओबामा भी इंडिया आया था ना तो इसका स्टूल का टेस्ट होता था, खाना तो टेस्ट होता ही है, और इवन स्टूल यूरिन सब इनके आर्टिफिशियल आते हैं, और ये सब अमेरिका जाता है कि ऐसा ना हो कि आपने ऐसा जहर दे दिया हो ये मर जाए जाकर के, स्लो पॉइजन, जैसे सुनंदा जो मरी थी ना ये मॉलीबेडनम एक जहर है साइनाइड से भी 250 गुना तेज,
हाँ शशि थरूर की जो मिसेज मरी है ना, तो ये साइनाइड कभी चखा था सर नहीं चखा, चख लेना है ना। कम से कम इस बार को फोटोग्राफी आ जाएगी क्यों नहीं, इतना लेते लेते अनुभव हो जाएगा। इसके अंदर सब कैलोरीज वगैरह सब होती है स्मार्टफोन में, मतलब जैसे आप गेम खेलते हो रनिंग करते हो ये करते हो ना एक घंटे करते हो ना टोटल कैलकुलेशन आप अपना वेट ये सब फीट करते हो तो वाकदा आ जाता है आपको कितने कैलोरी आपको लेनी है पर डे, सो दैट योर वेट शुड नॉट इंक्रीज। वहाँ पर
इनका सेंटर है देखो ये महात्मा है महान आत्मा जो चलो एक एक और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी तुम्हारे 10 लेक्चर आ गए तुम लोग के 10 लेक्चर छूटे हुए हैं 10 लेक्चर्स यू हैव लेफ्ट चलो मैं करा देता हूँ है ना चलो तो फिर नहीं आएंगे वो सब नहीं गुप्ता सर